गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स क्लास फोर्थ, भाषा कुटीर। चैप्टर वन, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। ठीक है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। ये पोयम है और ये किससे रिलेटेड है आपकी, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो। आप भी एक जो हमारा हिमालय होता है, हिमालय क्या है, पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा और मजबूत अपने आप को बना सकते हो। ठीक है, और ये कैसे बना सकते हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओके, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। इसके राइटर कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी ने। ओके, नाउ हम इस पेज को टर्न करते हैं। पेज को टर्न करने के साथ साथ आप अपनी नोटबुक्स को भी ओपन कर लीजिए, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, सबसे हमारा फर्स्ट है आपका शब्द अर्थ। आज की डेट इस तरह से कॉपी में आपको मेंशन करनी है, क्लास मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट की बुक में मेंशन करिएगा, क्योंकि ये हमने अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लिखा है। फर्स्ट है शब्द अर्थ, पहला है अविचल। अविचल का मतलब जो विचलित ना हो। सेकंड संकट, संकट मतलब खतरा। नेक्स्ट तूफानी मीन्स तूफान जैसा तेज, विनाशकारी। नेक्स्ट प्रण मीन्स प्रतिज्ञा। नेक्स्ट नभ मीन्स आकाश। उसके बाद है अचल, अचल मीन्स स्थिर। पथ मीन्स रास्ता। सफलता कामयाबी। जग का मतलब ये नहीं होता जिसमें हम पानी भर के ग्लास में टर्न करके पीते हैं, पोर करके, ठीक है, तो वो जग का मतलब होता है संसार। ये जग का मतलब क्या है, संसार। नेक्स्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, तो मैं आपको चेक कर रही हूँ। पहले इस तरह से डालिएगा प्रश्न उत्तर, पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, चलिए उसके पहले हम ओरल कर लेते हैं। अभ्यास, मौखिक प्रश्न, हिमालय क्या है, आप बता सकते हैं, यह आपको सोचना है, आप बताइए हिमालय क्या है। हिमालय पर्वत है। कविता के लेखक कौन है, कविता के लेखक देखिए अभी आपने आगे पढ़ा था, क्या नाम लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी। कविता के लेखक कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। कविता से क्या सीख मिलती है, कविता से आपको क्या सीख मिलती है, आप बता सकते हैं, कविता से आपको हमें ये सीख मिलती है कि आप जिस भी चीज़ का प्रण लीजिए उसमें अड़िग होकर खड़े रहिए और उसको पूरा करने की प्रयास कीजिए, चाहे कितनी भी मुसीबत और परेशानी आए पर अपने लक्ष्य की तरफ सदैव बढ़ते रहिए। जैसे कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीक थे, लेकिन कोशिश करते करते आज वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में क्लास में है, और हर टीचर बोलती है कि
इस बच्चे ने वाकई मैम बहुत चेंज आया है, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था, अब बहुत पढ़ने लगा है। तो वो क्या किया, उसने हिमालय की तरह खड़ा रहा अपने फैसलों पर और वो आगे बढ़ते बढ़ते आज अच्छी पोजीशन पर, अच्छी रैंक में, क्लास में है। ओके, सेम आपके पहले आप सही विकल्प छांटो, सही विकल्प हम पहले करते हैं, ठीक है। हिमालय क्या बता रहा है, डरो मत कि डरो, क्या बता रहा है हिमालय, क्या कह रहा है, डरो मत, तो डरो मत पे ऐसे टिक करिए। नेक्स्ट है प्रण लेने पर क्या करना चाहिए, उस पर टिकना चाहिए कि भूल जाना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि मैं रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे उठ के अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करूँगा, अपने आप चैप्टर्स को पढ़ूँगा, तो आपको ये जो निश्चय आपने लिया, जो प्रण लिया, इसको आपको पूरा करना चाहिए, उस पर टिकना चाहिए, ना कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सोते रह गए, भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सफलता किसे मिलती है, मुसीबत का सामना करने वाले को या मुसीबत से डरने वाले को। अगर आप मुसीबत से डरोगे, अगर आप मान लीजिए मैथ्स में वीक हो, और अगर आप और भी मैथ्स से डरोगे, तो क्या आप मैथ्स में कभी अच्छे स्कोरिंग कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे, नहीं ला पाओगे ना। और वही आप उसका सामना करो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप टीचर से कंसर्न करो, या साइंस कोई सब्जेक्ट को ले लो, नहीं यार आप टीचर से पूछे, बार बार पूछे, तो आपको क्या होगा, जब आप उस पर कोशिश करोगे, ट्राई करते रहोगे, तो क्या होगा, आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे। तो मुसीबत का सामना करने वाले को सफलता मिलती है या मिलनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आंसर इस तरह से कॉपी में लिखने हैं, इज दैट क्लियर। आपकी बुक में ख देखिए खंड में उत्तर लिखो लिखा हुआ है, तो आपको कॉपी में अपने इस तरह से लिखना प्रश्न उत्तर, ठीक है, ये आप देख रहे हो प्रश्न उत्तर, ये लिखेंगे आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संकट आने पर कैसे खड़े रहना चाहिए, संकट आने पे कैसे खड़े रहना चाहिए, संकट आने पर हिमालय की तरह दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। फिर से आप पास से देखो, संकट आने पर हिमालय की तरह दृढ़ता, मजबूती से खड़े रहना चाहिए, आया। नेक्स्ट, हम ऊंचे किस तरह उठ सकते हैं, यदि हम अपने प्रण से ना हिले तो हम ऊंचे उठ सकते हैं। अगेन, यदि हम अपने प्रण से ना हिले तो हम ऊंचे उठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैं इसको इस तरह से टर्न कर लेती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। नंबर थर्ड, मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए, मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए, मुसीबत आने पर उसका डट कर सामना करना चाहिए, मुसीबत आने पर उसका डट कर सामना करना चाहिए। नेक्स्ट, सफलता किसको मिलती है, सफलता किसको मिलती है, ये थोड़ा लॉन्ग है बट अच्छे से करना। ओके, जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर भी अचल रूप से खड़ा रहे, अचल मतलब इधर उधर डगमगाए नहीं बल्कि दृढ़ होके खड़ा रहे, तथा सदैव अपने पथ पर निडर होकर चले, तो वह अपनी सफलता को प्राप्त, अर्थात उसी को सफलता मिलती है, ठीक है। फिर से, जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर भी अचल रूप से खड़ा रहे, तथा सदैव अपने पथ
पर निडर होकर चले तो वह अपनी सफलता को प्राप्त अर्थात उसी को सफलता मिलती है। अब हम आते हैं बुक में। बुक में सेक्शन घ देखिए, खंड घ, पंक्तियों को पूरा करो, ये आपकी आगे की पंक्तियां हैं एंड दिस इज योर होमवर्क। एंड आपको मेक श्योर यहाँ पर डेट जरूर मेंशन करनी है, मुझे यू नो दैट मुझे हर जगह डेट मेंशन चाहिए, ये आप भी जानते हो, अदरवाइज इज नॉट गुड फॉर यू। तो डेट मेंशन प्लस होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, घर के अंदर रहिए, कहीं बाहर नहीं, बी सेफ। ओके।